अब मिनी मैप में आप लोग जॉन देखो जो कि 1.5 इंच का और बंदे अभी भी बचे हैं 40। अब इसे देख के मैच की इंटेंसिटी के बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो यार कुछ लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि भाई ऐसे तो तुम क्लासिक में 20-30 किल कर लेते हो, पर जब कोई कॉम्पिटेटिव मैच खेलते हो तो 2-4 किल कर पाते हो। तो यार जो लोग कॉम्पिटेटिव देखते हैं ना, उन्हें तो पता होगा कि क्लासिक और कॉम्पिटेटिव में क्या अंतर है और क्लासिक की अपेक्षा कॉम्पिटेटिव में ज्यादा किल क्यों नहीं हो पाते। पर जिन्हें नहीं पता, मैं आज उन्हें बताने वाला हूँ। तो देखो यार, सबसे बड़ा अंतर क्लासिक और कॉम्पिटेटिव में ये है कि भैया क्लासिक आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप कितने भी बार खेल सकते हो, जितनी बार मरोगे उतनी बार आप दोबारा लगा के खेल सकते हो, और फिर एक ना एक बार तो ऐसा होगा कि आप अच्छे किल कर लोगे और फिर उसका कंटेंट डाल दोगे। लेकिन कॉम्पिटेटिव में ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में आपको एक ही चांस मिलता है, तो उस वजह से आपको टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके खेलना पड़ता है। आप ऐसे अकेले कहीं घुस नहीं सकते, क्योंकि अगर आप मर गए तो स्क्रीम से बाहर। साथ ही इसमें जो बंदे खेलते हैं उन्हें आप ढूंढ भी नहीं सकते, क्योंकि भैया वो बिल्कुल बिलों में छुपे रहते हैं। आपको वो तभी दिखेंगे जब लास्ट सर्कल आ जाएगा, और लास्ट सर्कल में भैया जब 40-50 बंदे होते हैं तो उस टाइम आप किसी को खड़े होके मार नहीं सकते, क्योंकि आपका शरीर पत्थर का तो है नहीं कि आप भैया सामने देखा उसको पेल दिए खड़े होके और पीछे से आपको कोई मार ना पाए। उस टाइम हर तरफ बंदे होते हैं, तो अपने आप को भी बचाना है, टीम को लेके भी चलना है और किल्स भी निकालने हैं। तो ऐसे हालात में किल्स ज्यादा नहीं हो पाते। अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव देखते होंगे तो आपको भी पता होगा जोनाथन, स्काउट, गोब्लिन ये लोग भी कोई बहुत ज्यादा किल नहीं कर पाते, हर मैच में 4-5 ही किल रहते हैं। बहुत रेयर होता है कि एकाध मैच में भैया 10-12-16 किल कर लिए, बहुत रेयर। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं कॉम्पिटेटिव सिर्फ आप लोगों की वजह से ही खेल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि भैया मैं इसमें क्लासिक जैसे किल करूँ, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसकी भी कोशिश करूँगा और कर भी लूंगा। लेकिन फिर ये गारंटी नहीं है कि हम चिकन निकाल पाएंगे, पॉइंट टेबल में टॉप में आ पाएंगे, सेमी फाइनल निकाल पाएंगे, फाइनल निकाल पाएंगे, इसकी फिर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब किल से ही मतलब रहेगा तो फिर हम लोग भी कहीं भी मर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताओ कि कॉम्पिटेटिव जैसा रियल में होता है मैं वैसा खेलूं, या फिर क्लासिक की तरह अंधा रस करके खेलूं। फिलहाल बात करें इस गेम प्ले की, तो ये फाइनल मैच का डे 1 का फर्स्ट मैच है, और इसमें हम लोग नोवा में उतर के लूटा लाटी करते हैं और उसके बाद रोटेशन लेते लेते यहाँ तक जाते हैं। पार सामने बंदे, ठीक है, स्क्वाड हाउस में एक एक अलग है, ठीक है, कूप वाला है, कूप वाला गया है। अब मेरे पास है 4x, जिसकी मैंने आज तक ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं की, तो उस वजह से इसकी सेंस ही सेट नहीं है। ये बहाना मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि इसी की वजह से नॉक होने वाला हूँ। कूप वाला कहाँ गया? हाँ कूप वाला भाई गया, देख कर राइट से पड़ेगी। तो तुम दो लोग ना, दो लोग इधर से स्लैम मारो ना, थोड़ा सा लेके सोच ना पहले आगे वाले। हाँ हाँ, राजा उस पर राइट से स्लैम मारो ना। अब रस के बताए अनुसार एक बंदा मैकलेरन लेके सामने वाले घरों में चला जाता है और उसके बाकी के टीममेट इस स्काउट हाउस में होते हैं। तो फिर हमने बोला कि भैया तुम लोग दो बंदे उस बंदे को मार के आओ और इनको हम देखेंगे। हम मार दिए अब तुम्हारे कहने से, ठीक है, अब कब दे देना। हां ये बाकी झाटू है रे, क्या करते इसके मुंह पे स्लैम ऐसे मारते हैं, स्लैम गांडू देते हैं। वो बंदा निकल रहा, ठीक है, आने दो भाई इनको। निकलना, वो निकलना गाड़ी से। हाँ वो गया पहाड़ी पे, निकल गया। अब वो बंदा तो रस लोगों से बच के भाग जाता है, लेकिन तभी पहाड़ी वाला कोई स्पॉट नहीं हुआ। अभी बस 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 ठीक है, इलाज बचा है। एक और, एक और, एक और। कल एक लड़का कहता है, फौजी भाई मेरी एक गर्लफ्रेंड थी पूजा नाम की, मैं उससे बहुत प्यार करता था, पर फिर उसने पता नहीं क्यों किसी और को पटा ली और मुझे धोखा दे दी। तो ऐसी लड़की के ऊपर एक शायरी बोल दो ना, तो मेरे भाई बंदा पटा लिया उसने दूजा, नाम था उसका पूजा। अब उसका नाम ही ऐसा है तो मैं कर सकता हूँ यार। अरे यार रीलोड लग गई यार। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अकेला बचा है।
कुचल दे, मार मार। बहुत बढ़िया, एक लाल बंदा बचा है। Watch out. अरे फिनिश करना काबिल, आराम से आराम। All dead. अब यार यहाँ फोरेक्स के चक्कर में थोड़ी गलत सीन हो गए थे, लेकिन कोई ना, मेरे टीममेट ने जैसे तैसे संभाल लिया मोर्चा। खैर उसके बाद मेरे को यहाँ से 3x मिल जाता है, तो अब नहीं हगूंगा। तो यहाँ से लूटा लाटी करने के बाद हम लोग जॉन की तरफ जा ही रहे थे, पर तभी मुझे पेट्रोल पंप की साइड से गोलियां चलने की आवाज आती है। सुनो, दो लोग सरेंडर करो, पीछे से कवर दे दो। लेफ्ट में बंदे आ गए। मैं इधर, अरे फौजी बंदे उधर, कहाँ जा रहे हो यार? अब हमने सोच लिया था कि उनको मारना तो है, पर हमें ये आइडिया नहीं था कि वहाँ कितने बंदे हैं और कौन कहाँ पे बैठा है। इसलिए हमने सोचा कि पहले सामने वाले घर में जाएं और यहाँ से एक नॉक निकालें और उसके बाद डायरेक्ट रश कर देंगे, पर हमें क्या पता था कि यहाँ पे भी बंदे हैं। देखा, देखा। अब इन दो को तो निपटा दिया, लेकिन तभी यहाँ पे एक बग्गी आ जाती है। मारो बे, बाकी पूरा हो गया, मैं फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू। मोनी डाल रहा हूँ। बहुत हार्ड भाई, लेफ्ट आ रहा है। अरे ये क्या बलेट भी बताए, और फाइनली भाई लोग ये स्क्वाड भी यहाँ पे निपट जाती। भाई बहुत इंटेंस सिचुएशन थी। खैर जब मैं रस को रिवाइव दे रहा था, तभी एक और टीम जाती है। अंदर फिर पड़ी, अंदर आने के बाद पड़ी। स्मोक कर दो पूरा। अब जब उस बंदे ने गाड़ी रोका था, तब मैंने उसे काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था, शायद इस वजह से वो लोग रस नहीं करते। और ये हम लोगों के लिए बहुत सही था, क्योंकि अगर वो रस करते तो हमें ही प्रॉब्लम होती, क्योंकि हमारा एक टीममेट नॉक पड़ा था। फिलहाल इनको निपटाने के बाद जॉन शिफ्ट हो जाता है, तो हम लोग आते हैं इस ट्रिपल हाउस में। पर यहाँ आते ही जॉन फिर से शिफ्ट हो जाता है, तो उस वजह से हम लोग यहाँ से फिर से निकलते हैं, लेकिन इस बार हमारे पास कोई कंपाउंड नहीं था। तो देखो अब आगे क्या होगा। कॉर्नर खेल लेंगे अभी। बस गाड़ी लगाओ अपने अपनी कवर में, उल्टी सीधी। अरे भाई क्या, कौन रस? पेड़ पे ठोको, अपने अलग पेड़ पे ठोको। बाकी तू स्क्वाड हाउस में देख पीछे, रस तू देख, तू अगर उधर है तो। और ऐसे ओपन मत जाओ, फिलोगे आगे देख रहा था। अब उन बंदों को डैमेज तो काफी ज्यादा कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने साथ में नहीं मारा, उस वजह से कोई नॉक नहीं हो पाया। नजर रखना उधर। नजर तो है, नजर है नहीं, रखना उधर, पूरी स्क्वाड है उधर। अच्छा लेफ्ट साइड पे बंदा था। फौजी भाई रेंडो ओवर कमिट, ओवर पेड़ पे क्या जल्दी में, इस वाले पेड़ पे जाऊं मैं? अरे भाई मत जाना, आगे हीरो यार, टीपे है ना, कुछ भी हीरो आराम से मिलेंगे, किल कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर साइड अभी कुछ वहां का आया, देखना अभी। बाकी ये पकड़ ले, ये टिप पकड़ ले आगे। क्या जादू भाई, गाड़ी लगा। अरे नहीं, आपने कहा ना भाग गए, मुझे लगा अभी बचा है। देखना ये टिप लगाना, ऐसे लगाना गाड़ी में, पूरे बस आराम से। अब यहाँ जिस जगह पे हम लोग थे, यहाँ से हम लोग चारों तरफ कवर कर सकते हैं। नीचे बागी देख सकता है, ऊपर रस देख सकता है, राइट में जादू और लेफ्ट में मैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि जॉन और मेरा 36 का आंकड़ा है, साला कभी हम लोग का साथ नहीं देता, इसलिए हमें फिर से यहाँ से निकलना पड़ता है। और अब देखो आगे भाई, निकलो सब निकलो। बहुत साले की बात चल रही है, बाप रे बाप, चोट फट जाएगा। अब मिनी मैप में आप लोग जॉन देखो, जो कि 1.5 इंच का, और बंदे अभी भी बचे हैं 40। अब इसे देख के मैच की इंटेंसिटी के बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखता। अबे मेरा डिवाइस,
कसम खा के कह रहा हूँ, मेरा 14 प्रो मैक्स पहली बार लैग हो रहा था। अब ब्रो हर तरफ से बंदे आएंगे, अब मुझे मारो। मैं स्क्वाडर्स वाले को देख रहा हूँ। देखा, जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप ऐसे जोन में खड़े होके मारोगे तो आपको चारों तरफ से गोलियां पड़ेंगी। ये अपने इधर इधर से कोई ध्यान देना यार। उतरा। वॉच आउट वॉच आउट। हर तरफ बंदे हैं भाई, चारों तरफ बंदे हैं। ठीक है, बंदे निकलेंगे। ठीक है, पीछे वाले बंदे ने आ जाए, पीछे बजे नॉक के बजे मार भी दिया क्या? हाँ, फिनिश कर देना तो। मुझे मिला, मुझे मिला। ओ, ये वाले तो डेड। मिला इधर से गाड़ी आ रही। देखना बाकी तुम्हें, देखना वो वाला देख कर। मैं यहाँ देखता हूँ। एक इस पत्ता के पीछे बंदा है। हाँ पेड़ पेड़। हाँ पत्थर निकल गया बिल्कुल। उसको मारना कैसे होगा? गेम खराब तो देगा। हाँ ये कल की तरह मादर चोर। अब इस टीम के तीन बंदे तो निपटा दिए थे, बस एक लास्ट बचा था, लेकिन वो हमें बहुत प्रॉब्लम दे सकता था, इसलिए हमें उसे मारना था। पर उसी टाइम जॉन आ जाता है और फिर हमें दोबारा आगे जाना पड़ता है। मैं आगे कवर बना रहा हूँ। ठीक है फौजी भाई, तुम संभालो इसे। यार इसको मार दो यार, कोई अगर कुछ मारना तो। कुछ नहीं कर सकते ब्रो। आ जाओ सब जा रहे क्या? अरे आ जाओ आ जाओ। अलग अलग पेड़ लगाना। ठीक है, अलग अलग पेड़ों पे मार्क द लोकेशन। इधर स्मोक हुआ पड़ा है। हां सुनो, एक एक लोग इस पेड़ पे लगाना। मार्क द लोकेशन। मैं लगा रहा, मैं लगा रहा। अरे बंदे एक एक पीछे वाला भी आएगा। फौज भाई पीछे वाला भी आएगा। गलत गाली लगा रहा, बाकी गलत गाली लगा रहा। पत्थर पे मार्क द लोकेशन। वॉच आउट। लेट गाली, लेट लेट गाली से बाकी। ठीक है, एक पत्थर बंदा एंगल ले। किस पत्थर पे? स्मोक स्मोक के चारों तरफ। पीछे से बंदा है। अरे पता, मैंने यार एक हम गाली लगाने को ऐसा बोला मैंने, बाकी ध्यान रखना। ठीक है, नेट करो। नेट करो नेट। ओ पीछे वाला आ गया देख कर। अरे मर गया, पीछे वाला मर गया। चलो मर गया मर गया मर गया। अरे है रे है। इधर पीछे वाले को तो मार दिया। बाकी देख कर बंदा है यहाँ पर बंदा है। बाकी देख कर ना एंगल नहीं है मेरे ऊपर। स्मोक कर ना कोई। ग्रेनेड है क्या? है क्या ये पेड़ पे कौन मार रहा है? अरे सब बंदे बाकी तुम्हारे इधर बैठ गए। अबे भाई पीछे भी हैं बंदे, गलत कॉल मत दे, नाटक हो जाएगा। हाँ एक नॉक वाला। बाकी स्मोक, बाकी नेट डाला देख कर। मैंने मैंने भी डाला। अबे जोन में आओ। अरे पीछे नहीं है ये, अलग है ये। आगे जोन में आओ। वो देख कर पीछे ध्यान दे। ठीक है, उसका ध्यान देख रहा थोड़ा। राइट साइड में भी तो बंदे हैं इधर भी। इधर इधर स्मोक हुआ है गाइस देख कर। अबे साला लेट मार रहा था। बाकी बचा ले रे। आ गया आ गया।
तो ये यहाँ पे एडवांटेज रहेगा फौजी फौजी की भैया की अगर बात करें, ये बंदे जोन में है, तीनों 11 के प्लेयर जोन में नहीं है। भाई पड़ी है बोलना अल्ट्रॉन को डाउन किया जाएगा यहाँ पे, फौजी भाई खुद यहाँ पे डाउन हो जाएंगे अल्ट्रॉन के। टीम 11 फिनिश, टीम नंबर 11 पूरी टीम फिनिश हो चुकी है। जैसे कि हमने बोला था जोन में नहीं है, जोन पीछे से आया, ओपन आए बंदे और फिनिश कर दिए गए हैं। अब आपको एक बात बताऊं तो यहाँ पे मेरी टीम के 16 किल हो चुके थे और हम चारों के चार चार किल थे। खैर ये बात पहले पता नहीं थी लेकिन अभी ये स्ट्रीम में देखा तब पता चला। लेकिन मेरे मन में ये था कि यार अब दो बंदे बचे हैं और मुझे पता था कि ये दो बंदे पीछे के साइड कहीं हैं। तो सीन ये था कि मुझे काट रहे थे दो किल के कीड़े, तो मैं चाह रहा था कि ये दो किल मैं ही उठाऊं। उस वजह से मैं अपने टीममेट्स को बिना बताए राइट से फ्लैंक करता हूँ। पर कुमार दो, अब दो ही बंदे तो यहाँ पर है, यहाँ पर भाई साहब गलत काम मैं करता नहीं तो डरता भी नहीं किसी के बाप से, डर लगता है तो बस ये M249 वाले सांप से। साला गोली चलाया तब तक पेटी नहीं बन गई जब तक। कसम से यार मुझे लगा कि ये जो बंदे स्मोक किए हैं तो ये स्मोक के अंदर कहीं लेटे होंगे, पर साला ये बंदा लेटा हुआ था ये पीली घास में और उस वजह से मेरे को देखा ही नहीं। अच्छा पर कोई ना, फाइनली फाइनल के डे वन फर्स्ट मैच में चिकन डिनर निकाल लिया हम लोगों ने। तो इस बात के लिए एक एक लाइक तो बनता है यार गाइस। खैर ये एक छोटा सा मैच देख लो जो कि फाइनल का सेकेंड मैच था। और उस मैच में सिचुएशन ये थी कि यार ये मैच खेल रहा था मैं रात के 9:30 बजे और मेरी थी दोस्त की शादी। उस वजह से भैया मेरे काफी सारे दोस्तों का बार बार कॉल आ रहा था, तो मैंने अपने टीममेट से बोला कि यार अपन पॉइंट टेबल में तो टॉप में आ ही गए हैं, इस मैच में थोड़ा अपन लोग रश करके खेलते हैं, जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, अगर मर गए तो भी ठीक है और अगर किल मिल गए तो और अच्छी बात है। तो हम लोग उतरे थे ये पोर्ट वॉस्टो, क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश भैया थोड़ी सी कमजोर है तो झेल लेना। हाँ बराबर, इंग्लिश नहीं आता इतना, पर जो भी हो यही उतरे थे। और यहाँ उतरे थे हमारे साथ दो बंदे, तो मैंने बोला कि भैया चलो उनको फटाफट निपटाते हैं। अबे अच्छा हुआ साला उसके पास भी SMG थी, अब भी काम डाल देता। तो यार वो बंदा तो बिल्कुल सामने ही था, तो मैंने अपने टीममेट से जल्दबाजी में बोला आ जाओ, पर एक बंदा राइट में भी था जिसके बारे में हमें पता नहीं था। अरे ओपन नहीं जा रहा, तो फाइनली यहाँ पे मैं 1v2 कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ से लूटा लाटी करके निकलते हैं। और हमें ढूंढना था बंदे, इसलिए भैया हम लोग दो दो के स्प्लिट में हो जाते हैं। रस और बागी अलग ढूंढ रहे थे और मैं और जादू अलग। और तभी रस ये कहता है, फौज में ही बंदा, गाड़ी 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 लगी हुई, गाड़ी फौज में बंदा यहाँ पे। अरे सामने निकलो, अरे भाई फौज भाई ब्रिज से न्यू बंदे आया है, दूसरे बंदे आया है। अब इनके बताए अनुसार इनको जो बंदे दिखे थे वो अलग थे और इनको जिन्होंने मारा वो अलग। तो इनको जो दिखे थे वो हैं सामने वाले घरों में और इनको जिन्होंने मारा वो हैं ब्रिज में। तो उस वजह से मैं यहाँ पे खड़े होके देखता हूँ घर वालों को और जादू देखता है ब्रिज वालों को। और फिर वही से उसी घर पे पहुंचे, वैसे ही कर रहे वहां से फायर, वहीं से मेरे को फिनिश किया, चाहो तो पुश कर सकते हो, फायर के निशान आ रही है। आ जाओ वो ब्रिज वाले को ही मार रहा है। लेफ्ट से ना पड़े फौज भाई, ध्यान से। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब जादू ने एक को नॉक कर दिया था तो मैंने बोला बाबा घुसे क्या। मार्क द लोकेशन। अरे ओपी नीचे स्मोक करो।
और फाइनली इनकी भी पेटी बना दी। खैर अब बचे थे वो घर वाले। और उसी टाइम मेरे दोस्त का फिर से कॉल जाता है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई चलो उनको भी निपटा देते हैं, मेरे को जाना है, मजाक नहीं, बहुत देर से फोन आ रहा है। और देखो आगे, घर में जाता हूँ भाई, पीछे सब पड़ेगी। एक बंदा पीछे कूदा, एक पीछे गया। अब एक बंदा पीछे कूद गया था तो पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे स्मोक करूँ और स्मोक के सहारे एक पास में जाके बम फेंकूँ, लेकिन उसी टाइम जादू सामने वाले घर में घुस जाता है और उसे पता चलता है कि घर में सिर्फ एक ही बंदा है। तो मैंने बोला चलो उसको घुस के मारते हैं, फिर पीछे वाले को भी निपटा देंगे। पर जादू ने ये गलती कर दी। अब अरे अब यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ऊपर वाले को घुस के मारना है, क्योंकि उसका एक टीममेट पीछे था, लेकिन उसने छलांग लगाई तो फिर जादू ने भी छलांग लगा दी और जादू के चक्कर में मुझे भी कूदना पड़ा। और फिर क्या, चाचा के हाथ में थी डीबीएस, एक एक गोली में दोनों को निपटा दिए। तो यही था फाइनल का डे वन। चाहता तो मैं इस मैच को आपको न दिखाता क्योंकि इस पे हम लोगों ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कॉम्पी के हर एक मैच दिखाऊं, क्योंकि ये हमारा भी स्टार्टअप है, हो सकता है कि हम लोग आने वाले समय में बहुत कुछ अचीव कर पाएं। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आपको ये सब याद रहे कि फौजी ने कहाँ से स्टार्ट किया था और फिर मेहनत कर करके कहाँ तक पहुँच गया, और उससे सिर्फ मेरे को बस फायदा नहीं होगा, जो जो लोग मेरे को अभी स्टार्टअप से देख रहे हैं उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी। और मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अपनी पब्लिक को एंटरटेनमेंट के साथ कुछ सिखा भी सकूँ, कुछ मोटिवेशन भी दे सकूँ। तो आई होप आप लोग मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। फिलहाल अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ ही कर देना अपने दोस्तों को शेयर। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।